ये गड्डियां 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की हैं। बड़ी संख्या में पुराने कटे फटे नोट के साथ नए नोट भी बरामद किए। इसमें क्राइम किया। थाना अशोका गार्डन में एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के घर पे काफी ज्यादा मात्रा में कैश होनी थी, तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं, तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशन में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के डिनोमिनेशन में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2006 से, मतलब पिछले 18 वर्षों से मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें ये पुराने नोट लेते हैं और नए नोट अपना कमीशन काट करके देते हैं। इनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया अभी तक कि इनको अधिकारिता हो इस तरह के काम करने की और इतना बड़ा अमाउंट घर पर रखने की, तो अभी काउंटिंग जारी है और इनकम टैक्स को भी सूचना दी जा चुकी है। आईटी को भी मैम सूचना दी गई है क्या? हाँ जी। मेरे नोटों को बेचता था मुंबई में, तो किस तरीके से बेचता था, क्या इसकी प्रोसेस होती थी, किन लोगों को बेचता था, इसमें क्राइम क्या है? इसमें अभी ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल पहले तक ये पंजाब नेशनल बैंक में ये कैश देते थे, और जब से उन्होंने इनसे लेना बंद किया है तब से ये मुंबई और आगरा में इसको बेच रहे हैं। तो इसमें भी पता किया जा रहा है कि कहाँ ये इसको बेचते थे, और इसमें अभी इतना बड़ा अमाउंट घर पर रखना और उसका कोई अधिकृत वो ना देना और आचार संहिता के चलते इसमें भी काउंटिंग जारी और कार्रवाई जारी है। ये पुराने नोट कहाँ से लेके आते थे, जो इसको मिलते थे, किस तरीके से इसके पास आते थे? ये कई मार्केट्स में जो है इनके लोग रहते थे, जो कि इकट्ठा करके इस तरह के नोट्स इनको देते थे और अपना उनका कमीशन ये काट करके फिर ये इनको वापस करते। कितने नोटों के मैम गड्डियाँ मिली हैं, रकम जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे कितने नोटों की? इसमें भी काउंटिंग जारी है, काफी बड़ी संख्या में जो गड्डियाँ हैं, तो अभी काउंटिंग इसमें जारी है। अंदर कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये अंदाजन नहीं बताया जा सकता क्योंकि डिनोमिनेशन काफी छोटा है, गड्डियाँ जाता है, तो कुछ एक टाइम में भी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, तो उसमें प्रॉपर एक्यूरेट। अभी इसमें काउंटिंग जारी है। कितने लोगों से पूछताछ की है? इसमें जो ये घर में कैलाश खत्री, इनके भाई अनिल खत्री और इनकी फैमिली रहती है, तो उन सभी से। मैं परिवार करता काम वगैरह क्या करता है? इनके द्वारा मनी एक्सचेंज ही अपना प्राइमरी बिजनेस बताया।